हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भारत किंग के न्यू मॉडल एम्पलीफायर के बारे में, जिसको भारत किंग ने ही लॉन्च किया है। दोस्तों, ये दूसरे नाम से है, लेकिन ये भारत किंग ने ही लॉन्च किया है। इस एम्पलीफायर का जो मॉडल नंबर है APRO AP 801। दोस्तों, ये एम्पलीफायर जो है ये 800 वाट का है। दोस्तों, इस एम्पलीफायर की पूरी स्पेसिफिकेशन, पूरी डिटेल और पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और साथ ही दोस्तों, इस एम्पलीफायर के ऊपर आप कितना टॉप चला पाएंगे और इस एम्पलीफायर के ऊपर आप कितना हॉर्न चला पाएंगे, इस एम्पलीफायर के ऊपर मैक्सिमम कितना लोड आप डाल सकते हैं, और साथ ही दोस्तों, इस एम्पलीफायर का प्राइस भी आपको देखने को इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, थोड़ी भी स्किप ना करें। दोस्तों, वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप हमें कमेंट करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखें, थोड़ी भी स्किप ना करें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस एम्पलीफायर की स्पेसिफिकेशन के बारे में, कि इस एम्पलीफायर के अंदर आपको क्या क्या फंक्शन मिल जाता है। उसके बाद हम टॉप और हॉर्न के कनेक्शन को समझेंगे। तो पहले आप इस एम्पलीफायर की स्पेसिफिकेशन समझ लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस एम्पलीफायर के फ्रंट साइड के बारे में। दोस्तों, फ्रंट साइड में आपको सबसे पहले वोल्टेज मीटर देखने को मिल जाता है। इससे आपका बहुत फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि जब आप इस एम्पलीफायर को किसी भी बोर्ड में लगाएंगे तो इस मीटर में आपको एसी वोल्ट शो कर देगा। इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपने जिस बोर्ड में इस एम्पलीफायर को लगाया है उसमें कितना करंट आ रहा है, कितना वोल्ट आ रहा है। उसके साथ ही दोस्तों, आपको 3 इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, एक पावर ऑन का, एक टेम्परेचर का, एक ट्रिप का। उसके बाद आपको पावर के लिए एक पावर स्विच मिल जाता है ऑन ऑफ के लिए। और साथ ही दोस्तों, आपको इसके अंदर 4 वॉल्यूम मिल जाता है, एक मास्टर वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम आपको बेस का, ट्रेबल का और मिड का भी देखने को मिल जाता है। और साथ ही दोस्तों, एक रेड कलर का स्विच लगा हुआ है कि अगर आप इसके ऊपर हॉर्न या बॉक्स चलाना चाहें तो इस स्विच के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर बॉक्स चलाएंगे तो इस स्विच को बॉक्स पर कर देंगे, अगर हॉर्न चलाएंगे तो इस स्विच को हॉर्न पर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके साथ ही दोस्तों आपको एक वॉल्यूम लेवल इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी बैक साइड के समझ लेते हैं। इस एम्पलीफायर के बैक साइड में आपको एक रीसेट का स्विच मिल जाता है, और साथ ही दोस्तों लाइन इन और लाइन आउट का जैक भी मिल जाता है। और आउटपुट के लिए आपको 4 ओम और 2 ओम का ऑप्शन मिल जाता है। और साथ ही दोस्तों, हॉर्न चलाने के लिए आपको 100 वोल्ट और 70 वोल्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। और एक सिंगल फैन लगा हुआ है इस एम्पलीफायर को कूलिंग करने के लिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस एम्पलीफायर के ऊपर आप टॉप कितना चला पाएंगे। तो दोस्तों, इस एम्पलीफायर के अंदर जो आउटपुट मिलता है वो आपको 2 ओम और 4 ओम का आउटपुट मिलता है। अगर आप 4 ओम पर टॉप चलाना चाहें तो आप 500 वाट का टॉप चला सकते हैं। एक टॉप के अंदर जो स्पीकर लगा होगा वो 250-250 वाट के दो स्पीकर लगे होंगे। 8 ओम का 8 ओम का 250-250 वाट के दो स्पीकर लगे होंगे एक कॉलम के अंदर। अब कॉलम का जो एपिडेंस होगा 4 ओम होगा, तो इजीली आप 2 स्पीकर वाला टॉप 4 ओम पर चला सकते हैं, जो इजीली ये एम्पलीफायर रन कर देगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसके ऊपर 2 टॉप चलाना चाहें तो आप 500-500 वाट के 2 टॉप चला सकते हैं। एक टॉप के अंदर जो स्पीकर लगा होगा वो 250-250 वाट के 2 स्पीकर लगे होंगे। दोनों टॉप इसी तरह होगा, दोनों टॉप के अंदर 250-250 वाट के 2-2 स्पीकर लगे होंगे। और टॉप का एपिडेंस जो होगा 4 ओम होगा। जब दोनों टॉप को हम पैरल में कनेक्शन कर देंगे, प्लस टू प्लस और माइनस टू माइनस, तो उस टॉप का जो एपिडेंस हो जाएगा वो 2 ओम हो जाएगा। तो इजीली 2 ओम पर आप 2 टॉप चला सकते हैं 500-500 वाट का, जो इजीली ये एम्पलीफायर रन कर देगा। आपको कोई भी दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसके ऊपर हॉर्न चलाना चाहें तो आप हॉर्न 70 वोल्ट वाला भी चला सकते हैं और 100 वोल्ट वाला भी चला सकते हैं। आपको दोनों आउटपुट इसके अंदर मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप हॉर्न 50 वाट का चलाना चाहते हैं तो 50 वाट का 20 हॉर्न इस एम्पलीफायर के ऊपर आप चला सकते हैं, जो इजीली ये एम्पलीफायर रन कर देगा। आपको कोई भी दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस एम्पलीफायर का जो वॉल्यूम आपको खोलना है वो 85% ही खोलना है, उससे ज़्यादा आप ना खोलें। अगर आपको साउंड कम या ज़्यादा करना है, जो भी करना है, आप मिक्सर के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी इसकी वॉल्यूम जो 85% ही खोलें, ताकि आपका एम्पलीफायर भी बचा रहे, आपका स्पीकर और आपका जो हॉर्न है वो भी अच्छी तरीके से वर्क करे, इसकी साउंड क्वालिटी बिल्कुल अच्छी तरीके से मिले। आप पूरा फुल कर देंगे तो साउंड क्वालिटी आपको ठीक नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों, इस एम्पलीफायर के वॉल्यूम आप 85
ज़्यादा से ज़्यादा आप 90 कर लें, उससे ज़्यादा आप ना करें, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस एम्पलीफायर का प्राइस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दोस्तों इस एम्पलीफायर की पूरी डिटेल और पूरी जानकारी मैंने आपको दे दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी भी कंपनी के एम्पलीफायर के बारे में कुछ भी जानना, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उसके ऊपर हम वीडियो ज़रूर आपको बना कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ किसी